नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीसी अकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्यों के बीच में से लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही एक लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के भंग होने के बाद भी अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पहले तक लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष यदि लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करता है तब वह लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। अर्थात इस स्थिति में यदि किसी बिल या विधेयक को लाया जाता है और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करता है तब वह एक साधारण सदस्य होता है, अर्थात वह बिल या विधेयक पर मतदान दे सकता है। लेकिन यदि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो उस स्थिति में वह बिल या विधेयक पर अपना मतदान नहीं दे सकता। यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। दर्जेगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक लोकसभा उपाध्यक्ष। The deputy speaker of Lok Sabha, deputy speaker of Lok Sabha, Lok Sabha upadhyaksh, Lok Sabha mein लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक लोकसभा अध्यक्ष तथा एक लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद भी अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर आसीन होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भंग नहीं होता है। लोकसभा की यदि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य होता है, और जब लोकसभा उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य होता है तो वह उस स्थिति में किसी बिल या विधेयक पर मतदान देगा, क्योंकि वह एक साधारण सदस्य है। लेकिन यदि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है और उस समय किसी बिल या विधेयक को लाया जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष बिल या विधेयक पर मतदान नहीं दे सकता, क्योंकि वह बैठा रहता है लोकसभा अध्यक्षता के पद पर। यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। लेकिन यदि लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य होता है। उस स्थिति में वह लोकसभा में लाए गए किसी बिल या विधेयक पर मतदान दे सकता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है
अर्थात लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसमें से ही एक बनता है लोकसभा अध्यक्ष, एक बनता है लोकसभा उपाध्यक्ष। अर्थात लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर आसीन होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष का पद लोकसभा के भंग होने पर भी समाप्त नहीं होता, अपने पद पर आसीन होता है। लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा उपाध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर आसीन होता है, अपने पद पर आसीन होता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तो इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण लोकसभा सदस्य होता है, साधारण लोकसभा सदस्य होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है, लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष बनता है लोकसभा उपाध्यक्ष। ध्यानिएगा, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष बनता है, लोकसभा उपाध्यक्ष बनता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो इस स्थिति में यदि किसी बिल या विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है तो इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष चूंकि अध्यक्षता के पद पर बैठा हुआ है तो वह बिल या विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता।
यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में निर्णायक मत देता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्यवाहक लोकसभा कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष जो कि होता है लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में तभी कार्य करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता तभी करता है जब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हो, लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हो या रिक्त हो। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष आज अनुपस्थित है तो उस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा उपाध्यक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दे तो इस स्थिति में भी लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। जब भी लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है एक कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, तो इस स्थिति में वह किसी बिल या विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस स्थिति में वह एक साधारण सदस्य नहीं है। लेकिन लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यदि करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य होता है। इस स्थिति में यदि लोकसभा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मतदान, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मतदान, ध्यान दीजिएगा, इसकी दो स्थितियां हैं। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष किसी बिल या विधेयक पर मतदान देगा। इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष किसी बिल या विधेयक पर मतदान दे सकता है, क्योंकि यह एक साधारण सदस्य है। जब भी लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष एक साधारण सदस्य होता है। जब वह एक साधारण सदस्य है अर्थात लोकसभा में यदि कोई बिल या विधेयक लाया जाएगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष
चूंकि एक साधारण सदस्य है तो मतदान देगा साधारण सदस्य के रूप में। लेकिन यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा तो वो बन जाएगा उस स्थिति में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष। अब किसी बिल या विधेयक पर लोकसभा उपाध्यक्ष मतदान नहीं दे सकता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है लोकसभा उपाध्यक्ष करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष तो लोकसभा उपाध्यक्ष इस स्थिति में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष होता है चूंकि लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है तो इस स्थिति में वह किसी बिल या इस स्थिति में किसी बिल या विधेयक पर मतदान नहीं दे सकता है क्योंकि वह अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है। लेकिन यदि मत बराबर हो जाए परंतु मत के बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। इसका मतलब यह है कि यदि लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है तो मतदान नहीं दे सकता। लेकिन यदि मत बराबर हो जाए तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष चूंकि अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ है तो वह निर्णायक मत देता है। तो यह है लोकसभा उपाध्यक्ष द डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा उपाध्यक्ष का को निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के भंग होने पर भी लोकसभा उपाध्यक्ष अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर आसीन होता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है तो इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष बनता है। कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता तभी करता है जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली हो। मतदान यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष का एक साधारण सदस्य होता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का एक साधारण सदस्य होता है। इस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष किसी बिल या विधेयक पर मतदान कर सकता है। यदि लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष इस स्थिति में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष होता है। चूंकि लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर आसीन होता है तो इस स्थिति में वह बिल या विधेयक पर मतदान नहीं दे सकता है परंतु मत के बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को समराइज करते हैं
ध्यान दीजिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का होता है निर्वाचन, और लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचक मंडल होते हैं लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा सदस्यों के द्वारा। कार्यकाल, लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल यह होता है अधिकतम 5 वर्ष, या यदि लोकसभा भंग हो जाए तो उस स्थिति में अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा उपाध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। अर्थात अगली लोकसभा या नई लोकसभा की पहली बैठक, अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व तक लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। योग्यता, लोकसभा उपाध्यक्ष के उम्मीदवार की योग्यता होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा सदस्य की होती है। पहला, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। योग्यता। अगला है शर्तें के अंतर्गत पहला देखते हैं वेतन। लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का कोई वेतन नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही वेतन ग्रहण करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई वेतन नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई वेतन नहीं होता है, कोई वेतन नहीं होता है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। अर्थात एक सदस्य के रूप में लोकसभा उपाध्यक्ष का भी वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। दूसरा है वेतन का निर्धारण। लोकसभा उपाध्यक्ष ये दोनों ही लोकसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करते हैं, अर्थात इनके भी वेतन का निर्धारण करता है संसद, और इनका वेतन व पेंशन भारित होता है, वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर, होता है केंद्र की संचित निधि पर वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शपथ।
लोकसभा उपाध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है, अर्थात लोकसभा उपाध्यक्ष का पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष का पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात इनका पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का त्याग पत्र, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार से यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा निर्वाचन लोकसभा सदस्य के द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष या अगली लोकसभा की पहली बैठक के एक दिन पूर्व योग्यता, भारत का नागरिक हो लोकसभा सदस्य के रूप में। यह जो योग्यता है यह है लोकसभा सदस्य के रूप में, अर्थात लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। शर्त वेतन 50,000 रुपए मासिक। लोकसभा उपाध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद का कोई विशेष वेतन नहीं होता है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में वेतन ग्रहण करता है। वेतन का निर्धारण संसद करता है। वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। शपथ लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष का कोई विशेष शपथ या पुनः शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो इस प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है।